गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस. आई एम योर टीचर मनीष कुमार. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इक्वल टू 15. अब क्या दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, उनकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू. तो आपको जो वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10. ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 7 कराया, हमने क्या किया था, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया था. उस कारण बोथ साइड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. फॉर्म एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी. 10 जो 100. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. ए एड इज रहेगा 2 रहेगा, एड इज एक्स वाई की मल्टीप्लाई आपको कितनी दी हुई है 15 इक्वल टू 100. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 100. न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड कर लेते हैं, 100 माइनस 30 डेट इज 70. तो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 70. यही आपका आंसर हो जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5. आपको एक वैल्यू दी हुई है, उसके हेल्प से आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जो आपको वैल्यू गिवन है आप पहले उसी को नोट डाउन कर लेंगे. क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड. तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर भी स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 5 जो 25. एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इक्वल टू 25. अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को वन साइड कर लेंगे, 25 माइनस 2 डेट इज 23. अब हमें एक वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है, अब हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करना है. अगर मैं यहां पर इस वाले क्वेश्चन का यहां पर स्क्वायर कर दूं तो आपके यहां पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यानी कि एक्स पावर 2 का भी होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे यहां पर इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर इक्वल 23 का होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 5 to 9. ये बनेगा आपका एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 to 9. एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 न्यूमेरिकल वैल्यू वन साइड, 5 to 9 माइनस 2 इक्वल टू 527. ठीक है, सिमिलरली आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 आपको सेल्फ से करना है. ठीक है, 11 भी सेम है, ऑलमोस्ट 11 और 12 सेम है, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया है 12. आपको ये वैल्यू दी हुई है और उसकी हेल्प से आपको ये वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करेंगे, इसी वैल्यू का आप स्क्वायर कर लेंगे, जो भी वैल्यू आपसे पूछेगा उसी का आप होल स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, इसका होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी, इससे कैंसिल हो जाएगा. इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 627 नेगेटिव 2, तो 625. अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरा जाकर क्या बन जाता है, वो अंडर रूट. तो मैं यहां से स्क्वायर हटा लूंगा, यहां का रखकर बन जाएगा अंडर रूट, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. थोड़ा पार्ट 13 में आपके बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से मैंने एक फोर्थ रैंडम ले लिया है. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है. ये सभी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है. तो मैं यहां पर इसको देखता हूं, क्या मैं इसको ए स्क्वायर बना सकता हूं, यस वी कैन इट इन एज पी अपॉन टी का होल स्क्वायर. यहां पर देखो 2 आ रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ ए बी ये बनेगा. तो यहां पर लिख सकता हूं टी 2 पी 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू ए डेट इज पी अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. एक पी से एक पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टी अपॉन पी और 2. यानी कि मैं यहां पर देख रहा हूं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. ए की वैल्यू क्या है मेरी, पी अपॉन टी, और उसकी वैल्यू क्या है टी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे बट बाद में करेंगे इजी पड़ेगा. तो टी की वैल्यू पुट करनी है 1, पी की वैल्यू पुट करनी है 2. तो टी की जगह पुट करेंगे, पी की जगह 2, टी की जगह 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा आपका, 2 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। टेक एलसीएम 4 टू द 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 7 49 और 4 से 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको 500 मिल दिया हुआ है और 496, तो मैंने 504 का लिख लिया है, 500 प्लस 4 और उसको लिख लिया 500 माइनस 4, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे आपको वापस ये नंबर मिल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं एक नंबर सेम नंबर एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या 500 है, बी की वैल्यू क्या 4 है, आपने इसका स्क्वायर किया इतना मिला है, 4 का स्क्वायर किया 16 किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।